गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग कैसे हो सर। बच्चों? गुड मॉर्निंग आयुष, कैसे हो भाई गुड मॉर्निंग सर। बच्चों? गुड मॉर्निंग भास्कर। अमन बहुत दिन बाद आना हुआ क्लास में। गुड मॉर्निंग अमन। भाई तबीयत का तो आप जरूर ध्यान रखो, तबीयत का तो गेम ही चल रहा है सारा इस टाइम। गुड मॉर्निंग निशा, आज तो मेरी भी तबीयत थोड़ा ऐसे ही हो रही है। कोई नहीं, जब तक कोशिश तो देखो आज पूरी रहेगी कि क्लास लास्ट तक चले। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग शालू, लेकिन फिर भी देखते हैं। बच्चों कल आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया था, सीपीएसपी एमपी, वो समझ आया? यस सर। यस एकदम फिट हो गया दिमाग में? अब तीनों में से आपको बस एक बात याद, रटना नहीं है उसको भी, एक बात याद रखो 95। देखो आज हमारे पास वो वाले क्वेश्चंस नहीं है, 95 में आपको बता दूंगा। कल तो हम बुक में से करा रहे थे, अभी ना क्या करो, एक बार ना सब पे जो भी ना हो गोला गोला करते रहो, एक बार बस ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लास्ट में जो भी मतलब किसी एक सिंगल क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा उसको पूरे वो कर लें, लेकिन बस एक बार इसको हो जाने दो। आज तो वैसे भी हमारे पास कल वाले क्वेश्चन से नहीं है। देखो जैसे आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था सीपीएसपी और एमपी, उस सेम कॉन्सेप्ट से एक बात आप याद रखना, तीनों में से कुछ भी आ जाए आप बस उसी को इक्वल करोगे, बस उसमें भी कुछ नहीं रखना। अगर कभी क्वेश्चन सीपी एमपी और एमपीएसपी पे बन जाए तो आप क्या करोगे, देखो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए सीपी एमपी और उसके बाद एमपी और एसपी में रिलेशन हो तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप इन दोनों को इक्वल करोगे। तो बस बात वही है छोटी सी, जो भी दोनों में कॉमन होगा बस आप उसको इक्वल करोगे। अब देखो अगर आपको एक बात याद हो तो जब आपको सबसे स्टार्टिंग में क्लास कराई थी तो एक फॉर्मूला नोट कराया था, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू पोस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। याद है बच्चे ये फॉर्मूला, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है प्रीलिम्स में, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू पोस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अब आप ये देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको अगर आप यूज करोगे तो कैसे करोगे। देखो आज एक तो छोटी सी बात आप ये समझो और उसके बाद हम आज एक और नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। करो इस क्वेश्चन को रे, आपके पास एक बकेट है उसका मार्क प्राइस है आपके पास 300, 12% डिस्काउंट देने के बाद आपको 10% प्रॉफिट हुआ। आपको फाइंड आउट करना है अगर आप कोई भी डिस्काउंट नहीं दोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने सीपीएसपी और एमपी वाले कॉन्सेप्ट से करो फटाफट से, क्योंकि आज जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे वो भी बड़ा ही अच्छा होगा। 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों, बताओ 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी? बोलो बच्चों, 3/24, 3/25। 25, 25। ये तो आपके पास 12% की फ्रैक्शन होगी, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? वन अपॉन टेन। देखो सबसे पहले शॉपकीपर ने 12% डिस्काउंट दिया तो आप वही अपने सीपीएसपी और एमपी पे चलो सबसे पहले। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है 25 और 3 DR डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 22। मार्क प्राइस है 25, 3 करा डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 22। कितना था, 12% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ 10%। अगर पोस्ट प्राइस होगा 10 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11। उसके बाद वही बात कि जो भी दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो।
आपके पास दोनों में एसपी कॉमन है, एसपी कॉमन है तो आपने इस एसपी को इक्वल कर दिया भाई, ऊपर तो 22 है और नीचे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 22 हो जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, 22, 25। अब आप ये बताओ सीपीएसपी और एमपी, यहां तक तो कल वाली बात है, यहां तक की बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। यहां तक तो कल वाले क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखो आपको क्या गिवन है, मार्क प्राइस है 300, मार्क प्राइस है 300, तो 25 की वैल्यू है 300, तो 1 की वैल्यू कितना होगी शायद? 12। 1 की वैल्यू होगी 12, 1 की वैल्यू है 12, तो 20 की वैल्यू कितना होगी? 240। ये आप कल वाला ही क्वेश्चन कर रहे हो। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप इस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पे सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप इस आर्टिकल को जिसका पोस्ट प्राइस है 240, अगर इसको आप 300 में ही सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा बोलो? 60 प्रॉफिट होगा 240 पर और मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा बताओ? 25%। ये एकदम कल वाला ही क्वेश्चन था। बताओ बच्चों समझ आई बात? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, ये तो समझ आई गया, इसको हटा दो। भाई आप एक बार अब हाँ बोलो। इस क्वेश्चन में वैसे इक्वल नहीं करेंगे जैसे बाकी में कर रहे थे सीपीएस। इसमें भी इक्वल कर तो लिया, देखो एसपी एमपी को 11 एसपी को हमने इक्वल कर तो लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं जैसे यहाँ पे ऊपर सीपी की वैल्यू नहीं है तो हम 22 रख देते और नीचे। ये भी वही प्रोसेस है, अगर आप इसको ऐसे देखो, ये आपके पास ऐसा है ना चालू, आपको दोनों एसपी को इक्वल करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 22 कर दो और इधर 11 कर दो, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप इसको ऐसे भी इक्वल कर सकते हो, भाई आपने देखा ऊपर 22 है और नीचे 11 है, तो अगर आप 11 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई आपको इधर भी करनी पड़ेगी, आप इसको ऐसे भी इक्वल कर सकते हो। ये बात रेशियो में समझ आए, वैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर करके इसको इधर करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एक बात देखो यहां से, अब आप डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड आउट करो, आप एज्यूम कर लो कि भाई आर्टिकल का पोस्ट प्राइस है आपके पास 20। आप एक बात समझो, इसको तो अभी आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखो, आपने ये जो इक्वेशन बनाई है सीपी एसपी और एमपी, ये तीनों कंप्लीट आपने सेटिस्फाई कर दी जो क्वेश्चन में बोला है। भाई क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट तरीके से बोला है कि दोनों का एसपी सेम है, तो आपने एसपी सेम कर दिया। अब आप डायरेक्ट ऐसे प्रॉफिट फाइंड आउट करो, सीपी को 20 कर लो और एमपी को 25। अब मुझे ये बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 5% प्रॉफिट। 25% होगा, अभी भी 25% होगा भाई। अब देखो यहाँ से 5 प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस कितना है 20 और मल्टीप्लाई 100, तो अभी भी हमारा आंसर आया 25%। तो यहां से आपने एक बात देखी, जब आपने इसके एक्चुअल मेथड से करा था तब भी 25% था, ऐसे भी 25% है, तो इसका मतलब एक बात तो आपको ये समझ आई कि यहाँ इस 300 को लेने की हमें कोई जरूरत नहीं। अगर इस 300 को आप नहीं भी लोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये बात समझ आई बच्चों? यस यस सर। अब देखो इसके बाद जब आपने हर बार एक बात देखी, अब इस सबको हटा दो, अब ये समझो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो करना कैसे है।
भाई आपने एक बात देखी कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो एक बार, आपने कितना डिस्काउंट दिया शालू? 12% और अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सीपी आ जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा? 88। अगर आपने 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया 88, और अगर आप 100 में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तब आपके पास एमपी आ जाएगा, तो एमपी कितना होगा? 110। अब चेक करके देखो आंसर कितना होगा? 25 ही आएगा। तो अभी भी आंसर कितना आएगा? 22 प्रॉफिट हुआ 88 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो अब ये फॉर्मूला बना कैसे, सबसे पहले बताओ ये बात समझ आई? यस सर। अभी जब आपने बेसिक से करा था ना सीपी एसपी और एमपी को इक्वल करके, भाई कोई भी ट्रिक कैसे बनती है, आप एक ही चीज को 10-12-15 क्वेश्चन का अप्लाई करके देख लो, अगर एक ही चीज सब जगह अप्लाई हो गई तो वो ट्रिक बन जाएगी। ऐसे तो बनती है, ऐसे थोड़ी ना कि ऊपर से भगवान विष्णु भेज रहे हैं बना बना कर। अब आपने ब्रह्मा जी अब आपने क्या करा, जब सीपी एसपी और एमपी, भाई इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो वही है, जो भी कॉमन है उसको इक्वल कर दो। आपने 20-25 क्वेश्चन उस मेथड से करके देखे और फिर उस चीज को यहाँ अप्लाई करके देखा, तो ये चीज हर बार सेटिस्फाई होगी। तो आपके पास ये छोटी सी ट्रिक बन गई कि आप अगर 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और इस चीज को आप कभी भी करके देख लेना, आपके पास यही आएगा। तो ये ट्रिक बन गई। अब आप देखो इसका एक्चुअल मेथड तो वही सीपीएसपी और एमपी वाला है, लेकिन अगर आपको कोई ट्रिक याद रख सकते हो तो इसको याद रख। तो आप देखो आप ये खुद से देखोगे ये तीनों में से बहुत, अगर आप तीनों को देखोगे तो सबसे ज्यादा इजी है। भाई 12% डिस्काउंट दिया 88 है, आप इसको ओरल भी कर सकते हो, बस सीपीएसपी और एमपी वाले को आप ओरल नहीं कर सकते। तो बच्चों बात समझ आई? तो आप एक बात समझ लो, जहां भी सीपी और एमपी में रिलेशन हो, बस सीपी और एमपी में, तो वहां आप इसी को अप्लाई करोगे। 80% चांसेस है कि जहां भी ओनली सीपी और एसपी की बात, सीपी और एमपी की बात हो, सीपी गिवन हो, एसपी फाइंड आउट करना हो, ये गिवन हो, वो फाइंड आउट करना हो, तो वहां आप इसी को अप्लाई करोगे। तो इसको याद रख लेना, इससे थोड़ी सी जिंदगी कुछ आसान सी हो जाएगी। अगर ये याद ना रहे तो फिर वो सीपी एसपी और एमपी वाला को है। अच्छे से क्लियर हो गई बच्चों बात? यस सर, ऑल क्लियर। अब इसको करो तो फटाफट से, अब तो वैसे इसको आप और भी बता सकते हो कितना होगा। 85 190, 35/85, 2/5 करो फटाफट से ट्राई। भाई सबसे पहले आपने यहाँ देखा आपको डिस्काउंट गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद आप ये देखो आपको डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद आप ये देखो कहीं आपको सीपी और एसपी में तो कुछ फाइंड, सीपी और एमपी में तो कुछ फाइंड आउट नहीं करना, अगर करना है तो फिर इसी को अप्लाई करो। बोलो बच्चों कितना होगा आंसर? बहुत बच्चे चुपचाप बैठे रहते हो सर। 40% भाई आपने, आपको एक बात पता है, या तो आप सीपी एसपी और एमपी वाले से कर लो, वहां से वो तो इसका एक्चुअल मेथड है ही, या फिर आप ऐसे कर लो, अगर आपने 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 15, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 85। 15 डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 19%, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 119। तो आपको बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ? 34 प्रॉफिट हुआ आपको कॉस्ट प्राइस 85 पर, तो ये कितना हो गया? 2/5।
2/5 कितना होगा 40%। क्लियर हुई बच्चों ये सीपी एसपी और एमपी वाली बात? यस सर। चलो फटाफट से इसको भी करो, अब इसको ओरल करो, कोई भी लिख के नहीं करेगा। भाई आपने यहाँ देखा डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको गिवन है, तो बस फिर तो आपको एक ही बात समझ आ जाएगी कि भाई अगर हम 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर हम 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दे तब हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया 10%, तो सीपी कितना हो गया 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ 30%, तो एमपी कितना हो गया 130। तो बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ आपको 40 प्रॉफिट किस पे हुआ 90 पर, 4/9 कितना होगा 44, 4/9%। समझ आई बच्चों बात? सर बट उसमें लिखा था कि अगर 0% डिस्काउंट पे बेचा तो प्रॉफिट परसेंट। 0% डिस्काउंट, फिर आप डिस्काउंट का दे ही कह रहे हो डिस्काउंट। 100 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0? 100? इसका आंसर तो फिर 30% ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, अगर आपने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया फिर तो जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट होगा। लास्ट लाइन यही है ना, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। अगर हम कोई भी डिस्काउंट ना दे मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? आप 100 सीपी आपके पास 100 थोड़ी ना है, जब आप 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो वो आपके पास सीपी होगा, ना कि 100। बट सर लास्ट लाइन देखे तो आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, तो अच्छा आप इंग्लिश में गलत, तो 100 में से 0 चला गया तो वो 100 ही तो बचा फिर। इंग्लिश में थोड़ी सी एरर है, मैं तो हिंदी में पढ़ रहा था बच्चों। फिर उस हिंदी में भी लिखा है कि कोई छूट ना दे, अगर वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपके हिसाब से आंसर 30% होना चाहिए। वही तो जानना चाहते हैं हम आपसे। आप एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचो, आप कर क्या रहे हो? आप बस इस सीपी को ले रहे हो 100, लेकिन सीपी तो तब आएगा जब आप 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे। तो डिस्काउंट 0% माइनस तो कर रहे हैं, उस 0% को हटा दो। आप इस नीचे हिंदी वाले को एक बार रीड कर सकते हो, तो इसको कोई डिस्काउंट ना दो, कोई डिस्काउंट ना दे मतलब जितने रुपए की चीज है और जितना रुपए मार्क प्राइस है उतने पे सेल करें, तो इसका एक्चुअल सीपी कितना है बताओ? 10% डिस्काउंट के बाद जो आया 90, एक्चुअल सीपी है इसका 90, और एक्चुअल एमपी कितना है 130। तो यही तो बोला है, अगर आप कोई भी डिस्काउंट ना दो मतलब 90 रुपए की चीज को 130 में सेल करो तब आपको कितना प्रॉफिट होगा? ये वर्कशीट के क्वेश्चन है क्या जो आप मतलब आपने सेंड किए या अलग? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 121 है आपकी वर्क, ये उसी में तो होगा ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर देख नहीं रहे शायद। 121 वो जो लड़का है ना जो इसको करता है वो थोड़ा सा बीमार चल रहा है, तो वो घर से करके दे देता है बेचारा, इसलिए उसको कुछ ज्यादा कहना भी ठीक नहीं है अभी। सर मॉक टेस्ट भी वही करके देता है क्या? हाँ मॉक टेस्ट में वही करके देता है, कुछ ज्यादा बीमार चल रहा है बेचारा, अब वो कर देता है देखो। बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, वो करता है और ये क्वेश्चन दे देता है बस पीडीएफ बनाकर, तो फिर उसको दोनों क्वेश्चन रीजनिंग के बिल्कुल डिटो सेम पर दोनों के आंसर अलग अलग, यही तो टैलेंट है। और मतलब वो आंसर सही था जो हो ही नहीं सकता किसी पॉसिबिलिटी में। देखो आप एक बात समझो, जैसा टाइम चल रहा ऐसे टाइम पर अगर आप किसी के बारे में ये बोल देंगे ना कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा वो काम अच्छा नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन को हटाने में 1 मिनट लगेगा,
एक मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा करना अभी ठीक नहीं है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है जैसा भी है। तो मतलब सर एक बात बताओ, हमारी कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हो जाता है एक दो क्वेश्चन में, लेकिन सही नहीं है अभी। सर क्या बीतती है वो एक नंबर की वजह से 0.5 और कट गया हमारा। आप अपना जो भी स्कोर आया उसमें 2-4-5 नंबर ऐड कर लिया करो, तब आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। इसको समझो आप, भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे टेस्ट में, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट में भी आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, आपके पास दो कार है, आपने दोनों को सेल करा 120 ईच, उसके बाद आपको एक पे 25% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे आपको 25% का लॉस हुआ, तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल आपको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? लॉस ही बताना है, ओवरऑल कितना लॉस होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको इनडायरेक्ट तरीके से एक बात बोली है, इस फर्स्ट लाइन को रीड करो और बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। इफ ए पर्सन सेल्स टू कार्स फॉर 120 ईच, भाई इसका मतलब आपने दोनों कार को 120 और 120 में सेल करा है, तो इसको आप रिवर्स करके ऐसा भी तो बोल सकते हो कि भाई दोनों कार का सेलिंग प्राइस सेम है, ऐसा भी तो बोल सकते हो बात सेम है कि आपके पास दो कार है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखो सेलिंग प्राइस सेम है, आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर बस ये एक ही तो कंडीशन गिवन है कि भाई दोनों कारों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/4। तो आप क्या करो अब समझ लो बच्चों, ये है आपके पास एक फर्स्ट कार और ये है सेकंड कार, आपके पास क्या हुआ कॉस्ट प्राइस है, कुछ भी कॉस्ट प्राइस होगा इस पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके बाद आएगा आपका सेलिंग प्राइस। फर्स्ट पे देखो आपको 25% प्रॉफिट हुआ, तो अगर आपके पास फर्स्ट कार का कॉस्ट प्राइस है 4, फर्स्ट कार का कॉस्ट प्राइस है 4, 1 हुआ प्रॉफिट, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। ये कंडीशन गिवन है आपको फर्स्ट कार के लिए। सेकंड कार के लिए आपको क्या गिवन है भाई? सेकंड का आपको 25% का लॉस हुआ, तो सालों बताओ अगर सेकंड कार का कॉस्ट प्राइस है 4, तो कितना लॉस हुआ है आपको? -1। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3। ये आपको एक कंडीशन गिवन है कि आपने फर्स्ट कार को 25% प्रॉफिट पे सेल करा, तो हमने इसको 25% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। सेकंड कार के लिए हमें गिवन है कि भाई सेकंड कार को हमने 25% लॉस पे सेल करा, तो इसको हमने 25% लॉस पे सेल कर दिया। अब उसके बाद आपको एक कंडीशन और गिवन है, बताओ वो कंडीशन क्या है? सेलिंग प्राइस जीरो है, हमने दोनों के सेम है, यही तो आपके पास अब एक कंडीशन यही तो बची कि भाई दोनों कारों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप दोनों कार के सेलिंग प्राइस सेम कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो अब आपको कुल मिलाकर 5 और 3 को इक्वल करना है, तो बच्चों कैसे इक्वल करोगे इस 5 और 3 को, बताओ कौन बताएगा? सर 5 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 में मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल भैया 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
अगर आप इधर फाइव में थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरी लाइन में आपको थ्री से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आप इधर फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको इस पूरी लाइन में फाइव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बस आपको ये एक ही कंडीशन गिवन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब इसको नोट कर लो और आपका आंसर आ जाए। उसके बाद ये कितना होगा प्लस थ्री माइनस फाइव, और इधर कितना होगा ट्वेल्व और ट्वेंटी। भाई आपको क्वेश्चन में जो भी कंडीशन गिवन थी एक कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, आपने उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ इन दोनों फिगर्स को देखकर आपको कितना लॉस हुआ, ओवरऑल अगर आप लॉस चेक करोगे तो आपको कितना लॉस हुआ। भाई ओवरऑल आपको टू लॉस हुआ ना, फर्स्ट पे आपको थ्री प्रॉफिट हुआ, सेकंड पे आपको फाइव लॉस हुआ, तो अगर आप दोनों को मिलाकर ओवरऑल चेक करोगे तो आपको टू लॉस हुआ। इसका मतलब आपको इस टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 120, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 8, तो 2 की वैल्यू कितना होगी 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 16 रुपीस का लॉस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है। भाई इस पे सबसे पहले ये बताओ ये बात समझ आई इस क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या कर सकते हो, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए बोले तो वो इसमें कर क्या कह सकता है। सेलिंग प्राइस अलग अलग दे सकते, नहीं कुछ भी अलग करे, सेलिंग प्राइस को भी अलग कर लो, कुछ भी कर लो, अभी तो क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसको सेवन कर लो, कुछ भी सेलिंग प्राइस कर लो आपकी मर्जी है। अब देखो आपको बस एक बात याद रखनी है, देखो कभी ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ऐसा बोल दे कि फर्स्ट आर्टिकल का पोस्ट प्राइस और सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। भाई कभी अगर आप सोचोगे आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए 415713, आपको कभी फ्यूचर में ऐसा भी तो बोल सकता है कि आपको एक कार पे 25% प्रॉफिट हुआ, सेकंड पे 25% लॉस, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट कार का कॉस्ट प्राइस और सेकंड कार का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो जो भी आप वही बात सीपी एसपी और एमपी वाली जो भी क्वेश्चन सर इसमें सीपी और एसपी इक्वल करेंगे ना। हां बिल्कुल, जो भी इक्वल करने के लिए बोलेगा फिर आप वो इक्वल करोगे। अगर आपको ये बोला है फर्स्ट कार का सीपी और सेकंड का एसपी इक्वल है तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो। एक ही क्वेश्चन से बात को समझ लो आप। अगर आपको ऐसा बोला है कि सेकंड का फर्स्ट कार का एसपी और सेकंड कार का सीपी इक्वल है तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो। अगर आपको ऐसा बोला है कि दोनों का सीपी इक्वल है तो आप इस 4 और 7 को इक्वल कर दो। आपको बस इतना समझना है, अगर इस कॉन्सेप्ट को डिफिकल्ट बनाना है भाई यहाँ तो सीधा सीधा बोल दिया कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन अगर कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा इस कॉन्सेप्ट पर तो वो ऐसा ही कर सकता है कि भाई फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेकंड का सेलिंग प्राइस इक्वल है, या फिर सेकंड का सेलिंग प्राइस फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस, कुछ भी ऐसे करके। तो आप बस एक बात याद रखो, जो भी इक्वल है बस आप उसी को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। क्योंकि फिर जब इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके सामने आएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा ये तो कभी पढ़ाई नहीं, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया सर। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो। भाई गौतम ने 2 रेडियोस परचेस करे 1920 रुपीस के, फर्स्ट को सेल करा 20% प्रॉफिट पर, सेकेंड को 6 कंपनी 2/3% लॉस पर, दोनों आपके पास दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो आपको फाइंड आउट करना है उनका कॉस्ट प्राइस। बात समझ आई बच्चों?
अब देखो इस क्वेश्चन में एक तो आपको परसेंटेज गिवन है, आप परसेंटेज को नोट कर लोगे, उसके बाद बस आपको एक कंडीशन गिवन है कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम कर दो, उसके बाद जो पोस्ट प्राइस आएगा उन दोनों के सम की वैल्यू है 1920। देखो एक बार फिर से समझो, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब आप मुझे ये बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी है? इसकी सर 20% की, चलो ये तो मैं बता देता हूँ, 6 complete upon 3% की फ्रैक्शन 1/16 अब आप देखो फर्स्ट पर आपको क्या हुआ है बच्चों 20% प्रॉफिट। तो अगर फर्स्ट रेडियो का कोस्ट प्राइस है आपके पास 5, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। ये तो फर्स्ट के लिए गिवन है, सेकंड के लिए देख लो क्या होगा। सेकंड पे हुआ आपको 6 complete 2/3% लॉस। अगर बच्चों आपके पास सेकंड का सीपी है 15, 1 हुआ लॉस, तो एसपी कितना हो जाएगा 40। यहां तक की कहानी समझ आई बच्चों? ये तो अपनी वही परसेंटेज वाली पुरानी कहानी। इसके बाद क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन बोली है कि आपके पास दोनों का एसपी सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एसपी को सेम कर दो। बताओ सालू एसपी को कैसे सेम करोगे? एसपी को सर, हाँ जी, क्वेश्चन में एक ही कंडीशन किस टाइम से? वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट टेबल हो गया। 6 × 7 = 14 × 3। वेरी गुड, चलो आप एकदम यही करने वाले थे। नहीं, यही कहने वाली। ओके भाई, आप को सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है, तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो कंडीशन गिवन है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इसको इक्वल कर दो। अब आपने फर्स्ट में मल्टीप्लाई करी है 7 से, तो अभी 7 की मल्टीप्लाई सब में करनी पड़ेगी। सेकंड में मल्टीप्लाई करी है 3 से, तो अभी 3 की मल्टीप्लाई सब में करनी पड़ेगी। अब इसको नोट कर लो, इधर ही कर लेते हैं, 42 + 7 और ये कितना होगा 35, और ये कितना होगा 42 - 3 और ये कितना होगा 45। बताओ बच्चे यहाँ तक की बात समझ आई? क्वेश्चन में बस यही तो एक कंडीशन समझ थी कि दोनों के एसपी सेम है, तो एसपी सेम कर दिए। वापस से क्वेश्चन कर दो भाई, आप मुझे ये बता दो, ये जो 1920 है ये किसकी वैल्यू है? दोनों रेडियोस के सीपी की, तो आपके पास दोनों रेडियो का सीपी का सम कितना होगा? 80 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1920, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी बच्चों? 24। 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 24। अब देखो 1 की वैल्यू आपके पास आ गई, अब तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है दोनों रेडियोस का पोस्ट प्राइस। 1 की वैल्यू है 24, तो 35 की वैल्यू कितना होगी? कितना होगा ये? 0। और 3 × 6 = 8, 840। तो आपके पास ये जो फर्स्ट रेडियो है इसका सीपी कितना हो जाएगा? 840। और जो रिमेनिंग बच्चा वो इस सेकंड वाले का सीपी हो जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? ये कितना खतरनाक है भाई, समझ आए बच्चों क्वेश्चन? यस सर, पक्की बात? चालू
अभी तक तो आ गया है, ऐसे मत बोलो, तो कुछ बता दोगे तो अब इस क्वेश्चन को करो। मंत्र पढ़ रहा है क्या ये? एक मैंने आपके पास दो बोट्स परचेस करी 1008 रुपीज में, दोनों को सेल कर दिया, फर्स्ट को 20% प्रॉफिट पर और सेकंड को 44% प्रॉफिट पे, दोनों का आपके पास सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको फाइंड आउट करना है जिस गोट को आपने लॉस पर परचेस करा है उसका पोस्ट प्राइस क्या होगा। वन जीरो जीरो एट आया तो बच्चों आप ये बताओ 1009 क्या है? फोर डिजिट्स की सबसे छोटा प्राइम नंबर, याद रखना इसको। भाई बाकी एक भी बच्चे कुछ बोलो, निशा कितना होगा आंसर, अमन कितना होगा? भाई सब बच्चों का आंसर आ गया 648। किसी के दिल में कोई दर्द, कोई दिक्कत, परेशानी? चलो मैं खुद कर लेता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ सही है या फिर नहीं है। मेरा आएगा, मेरा आएगा या फिर नहीं आएगा? आधे बच्चे तो ऐसे है ना, चुपचाप बैठे रहते हैं एकदम। वो इसलिए कि कहीं हम आंसर बताए और आप इसे गलत बताए। तो फिर क्या होगा अगर मैं यहाँ गलत नहीं बताऊंगा? तो फिर आपका जब रिजल्ट आए तो वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा। फर्स्ट पे आपको 20% का लॉस हुआ, अगर आपके पास फर्स्ट का पोस्ट प्राइस है 5, 1 हुआ लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। सेकेंड पे 44% प्रॉफिट हुआ, तो अगर आपके पास सेकेंड का कोस्ट प्राइस है 25, 11 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36। अब इसमें भी आपको एक बात बोली है कि भाई आपके पास दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करना। अब तो इसको यही कर लेते हैं, कितना हो गया 36। 9 और 45। क्वेश्चन में बस आपको एक ही तो कंडीशन गिवन है कि भाई आपके पास दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन में चलो वापसी। आपके पास दोनों बोट का पोस्ट प्राइस कितना है 1008। इस दोनों यहां से देखो आप, आपके पास दोनों बोट का सीपी कितना होगा 70। 70 की वैल्यू गिवन है 1008, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 14.4। 1 की वैल्यू हो जाएगी 1008 अपॉन 70। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको लॉस गोट का पोस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है जिसको आपने लॉस पे सेल करा। भाई लॉस पर आपने इस फर्स्ट वाले को सेल करा है तो इसका पोस्ट प्राइस कितना होगा 45। 1 की वैल्यू आपके पास है, 45 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो ये कितना होगा? तो बिल्कुल हद हो गया, तो दो से भी डिवाइड करना पड़ रहा है, कितना होगा ये? 648 भाई, 1 की वैल्यू है 1008 अपॉन 70। देखो एक बात आप याद रखो, इसको आप जब ही कट किया करो जब ये कट होएगा। अभी बताता हूँ मैं आपको एक बार, ये बात समझ आई बच्चों कि इसका आंसर होगा 648। नीचे 10 रिमाइंडर रह जाता कट तो ऊपर भी हो जाता। बिल्कुल, अभी आपको एक बात समझाऊंगा, ये बात समझ आई, इसका आंसर आ गया 648। देखो एक आप छोटी सी बात याद रखना, आप सबको पता भी होगी, अगर आपको किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, वैसे तो नंबर सिस्टम में कम से कम मैं आपको एक महीने तक यही सब बातें पढ़ाऊंगा, अगर आपको किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो वो तभी डिवाइड होगा कब बताओ? ये तो बहुत नॉर्मल बात है, तो 10 से डिवाइड करना है तो लास्ट में जीरो होनी चाहिए। लास्ट में जीरो होनी चाहिए। और अगर आपको किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना है तब एटलीस्ट 20 कम से कम दो। इसको अभी हम यूज करेंगे बच्चों में, आपको इसको इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो लास्ट में एक जीरो तो होनी चाहिए, बाकी तो कितनी भी हो लेकिन कम से कम एक तो हो। सेम ऐसे अगर 100 से डिवाइड करना है तो आपके पास लास्ट में दो जीरो तो हो, बाकी कितनी भी हो लेकिन लास्ट में दो जरूर हो। सेम ऐसे अगर 1000 से डिवाइड करना है तो लास्ट में तीन जीरो होनी चाहिए, बाकी कितने भी जीरो हो या ना हो लेकिन लास्ट में तीन जरूर हो। ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगी, आपको तो वैसे सभी कुछ पता है। अभी आपको ये दिखाऊंगा इसको यूज कहाँ करें, क्वेश्चन कहाँ गया है। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है ही उसकी, करो इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें क्या करा बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, आपके पास प्रॉफिट तो 20% ही है, ठीक है, प्रॉफिट आपके पास 20% ही है, और एक ने इसको कैलकुलेट करा है सीपी पर और एक ने इसको कैलकुलेट करा है एसपी पर, बस इन दोनों में अब की बारी तरह से डिफरेंस हो गया, करो इसको ट्राई। एक ने सीपी पर करा है एक ने एसपी पे, उसके बाद भी दोनों के सेलिंग प्राइस, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक का सीपी पे कैलकुलेट कराओ एक का एसपी पे कैलकुलेट कराओ, उसके बाद दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो चलो करो इसको एक बार ट्राई। भाई अगर आपको किसी भी पर्सन को, भाई अगर आपको सीपी पे 20% प्रॉफिट हुआ सीपी पे, तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस है 5, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। जब आपको प्रॉफिट सीपी पे हो और जब आपको प्रॉफिट एसपी पे होगा तब क्या करोगे आप? तब इस इक्वेशन को आप, तब ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा शायद बताओ सर, मतलब फिर 5 को हम इससे कंसिडर करेंगे और 1 को प्रॉफिट है, तो 5 माइनस 1 4 आएगा हमारा, 4 आ जाएगा फिर सीपी। वेरी गुड सर, तो प्रॉफिट सीपी पे हो, लेकिन जब एसपी पे 20% प्रॉफिट, आप मेरे मन से ऐसे करा होगा ना 5, 1 और 6, मैं माना दिक्कत है पर इतनी भी नहीं है, सोचा तो यही था कि आप ऐसे बोल रहे, किसको रिवर्स कर उसके बाद दोनों का एसपी सेम है, 1 की वैल्यू
इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 1 की वैल्यू, जो भी फाइंड आउट करना है वो आता है, करो इसको ट्राई। फटाफट से करो बच्चों, बस इसको यही लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, आप एक काम करते रहना साथ के साथ, बीच बीच के जो क्वेश्चन है, मतलब जो एक जैसे आपको करा दिए उनको आप कर, मतलब सबको कर ले। 2550 2550। भाई अब आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सर एक बार करवा देना, मतलब तब बीच में शायद नहीं आ रहा आंसर। भाई फर्स्ट ने कैलकुलेट करा है किस पे? सीपी पे। तो आप ये बताओ, 20% प्रॉफिट अगर सीपी पे कैलकुलेट करोगे, तो अगर आपके पास सीपी है 5, प्रॉफिट हुआ 1, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6। लेकिन अगर आप 20% प्रॉफिट को एसपी पे कैलकुलेट करोगे, तो एसपी हो गया 5, 1 हुआ प्रॉफिट, सीपी कितना हो जाएगा? 4। अब इस क्वेश्चन में वही बात, आपको एक ही कंडीशन गिवन है कि भाई दोनों का एसपी सेम है, तो आप दोनों के एसपी को सेम कर दो, 6 × 5 और 5 × 6, तो बस 6 की मल्टीप्लाई कंप्लीट में कर दो और 5 की मल्टीप्लाई इधर कंप्लीट में कर दो, ये कितना हो जाएगा? 30। इधर 30, इधर प्लस 5, इधर प्लस 6, और इधर कितना होगा? 25 और इधर 24। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो, प्रॉफिट का डिफरेंस 85 है, तो 1 की वैल्यू 85। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 85। 1 की वैल्यू है 85। अब तो आपको किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आंसर आ जाएगा। किसकी फाइंड आउट करनी है? एसपी की। 30 की। 1 की वैल्यू है 85, तो 30 की वैल्यू कितना? 2550। समझ आया आयुष? यस सर, आ गया। इस क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि अगर इसको 25% से ही करोगे तब आपका इसको ऑप्शन मैच नहीं होगा। चलो बच्चों, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे। और बच्चे यहाँ तक बीच में जो भी स्किप किया वो सारे कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, बीच वाले करते लगो, लेकिन जो स्टार्टिंग में छोड़े थे उनको मैं ही लास्ट में कराऊंगा। बीच में कुछ क्वेश्चन है जो छोड़ेंगे, ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। अभी हम बस प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, तो डिस्काउंट को एक साथ करेंगे तो ये क्वेश्चन वहां हो जाएंगे, और वहां अच्छे भी ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ये भी डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, ये भी देखो डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, 25% डिस्काउंट। तो अभी बस ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आप छोड़ देना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां से डिस्काउंट स्टार्ट होगा एक क्लास के बाद, तो फिर ये सब हो जाएंगे। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।